ऑसम वीडियो की तबाही के लिए रेडियो जाओ नंबर वन। अब आपने इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो किया ही है, ठीक है, लेकिन ये देखो, ये है 1950 में यूज होने वाला कैलकुलेटर, जिसमें नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले दिए हुए नंबर को कैलकुलेटर में टाइप करते हैं। उसके बाद दिए हुए दूसरे नंबर के डिजिट के हिसाब से कैलकुलेटर पर उतनी बार प्रेस करना पड़ता है, जिससे रिजल्ट सामने आ जाएगा। जैसे इसका आंसर 381 है। और ऐसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस के लिए अलग अलग नंबर के कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। और वही मेडिवल पीरियड में इस एंटी के मैकेनिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता था, जो काम तो नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह करता था, लेकिन आंसर आने में काफी समय लग जाता था और ये साइज में भी काफी बड़ा था। नंबर टू, अब पहले तो फोन ये वाला होता था, ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर सेव ही नहीं किया जा सकता था, तो ये लोग इस तरीके के डायरी का इस्तेमाल करते थे, मतलब बस इसे सेट करो और आप उसी अल्फाबेट पेज पे पहुंच जाओगे। नंबर थ्री, ये देखो, ये फिंगरप्रिंट लॉक है, जिसके फिंगर से लॉक होगा उसी के फिंगर से खुलेगा भी। नंबर फोर, अब ये देखो, ये एक नोटबुक रीडर है, जो घर में लाइट बंद होने पर भी आपकी पढ़ाई को जारी रख सकता है, मतलब लाइट चालू हो या बंद हो आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। नंबर फाइव, अभी तक आपने ये पीरियड टेबल देखा होगा, लेकिन अब इसे देखो, ये एक ऐसा पीरियड टेबल है जिसके नाम के नीचे उस एलिमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया है, जो देखने में काफी शानदार लगता है।